सोचते रह गए। कोई कहता था ज्यादा कुछ नहीं होगा, छोटा मोटा परिवर्तन होगा, कोई कहता था केवल 35A हटेगी, लेकिन धन्य नरेंद्र मोदी जी एक झटके में धारा 370 समाप्त करके फेंक दी। लोग सोचते रह गए, देखते रह गए, किसमें ऐसा शौर्य, किसमें ऐसा साहस और किसमें ऐसी दम थी। अगर वो दम थी तो नरेंद्र मोदी जी में थी, अमित भाई साहब में थी। कश्मीर से धारा 370 समाप्त, 3 तलाक का कलंक मेरी मुस्लिम बहनों को किसने दिया? राजीव गांधी जी ने। सहवानों प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को संविधान में संशोधन करके बदल दिया गया। 3 तलाक एक अमानवीय प्रथा थी जो कि मुस्लिम देशों में नहीं थी, किसी ने साहस किया हाथ लगाने का। उस 3 तलाक को भी अगर समाप्त करने का चमत्कार किया तो नरेंद्र मोदी, अमित शाह जी ने किया, माननीय नड्डा जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में हुआ। एक ऐसी कुप्रथा जो कलंक थी भारत के माथे पर, उसको समाप्त किया तो नरेंद्र मोदी जी ने किया। पीढ़िया की पीढ़ियां खप गई कि हम आज गौरव और गर्व का अनुभव कर रहे हैं, मन आनंद और प्रसन्नता से भर जाता है। ऐसे भारत का निर्माण अगर हुआ तो माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। एक अलग बात, एक न्यू इंडिया, एक नया भारत आज दुनिया के समक्ष खड़ा हुआ है। मेरे बहनों और भाइयों, याद करो उस दिन वो थे जब बात बात में चीन हमें आंखें दिखाता रहता था, चीन हमें डराता था, पाकिस्तान डराता था, श्रीलंका जैसे देश डराते थे, विद्धि विद्धि से देश हमें डराते थे, और तब हम आंख मिला के बात नहीं कर पाते थे। अरे कांग्रेस को भूल गए क्या? कौन ने देश में नारे लगाए, हिंदी चीनी भाई भाई, हिंदी चीनी भाई भाई नारे लगाते रहे पंडित जवाहरलाल नेहरू, और कब चीन घुस गया आके हमारे देश की सीमा के अंदर? पंडित नेहरू जी आपको पता ही नहीं चला। और पंडित नेहरू का सोच देखिए, कांग्रेस का सोच देखिए, चीन ने जब हमारी जमीन दबा दी और भारत की संसद में एक प्रखर सांसद ने जब ये मामला उठाया कि चीन ने हमारी हजारों वर्ग किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर लिया है, पंडित नेहरू जी का जवाब था वो जमीन का क्या करेंगे, उसमें तो घास के तिनका तक पैदा नहीं होता। तब सांसद जी ने जवाब दिया था, पंडित जी आपके सिर पे भी एक बाल नहीं है, क्या इसको भी बेकार समझ के काट देना चाहिए, फेंक देना चाहिए? ये सोच थी कांग्रेस पवित्र भारत भूमि के बारे में। प्रणाम करता हूं, उनके चरणों में प्रणाम करता हूं। चीनी सीमा पर हमारे कांकेर के वीर सैनिक शहीद गणेश राम कुंजाम ने अपना बलिदान दिया है, मैं उनके चरणों में नमन करता हूं। मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, भारत माता के ऐसे जवान बिना हथियारों के चीनियों से भिड़ गए और सबक सिखा दिया। मध्य प्रदेश को हमने तय किया कि हमारा कोई जमीन जवान अगर शहीद होता है तो 1 करोड़ रुपए की सम्मान निधि उस परिवार के सम्मान के लिए हम देते हैं, 1 मकान हम देते हैं, परिवार को शासकीय सेवा में रखते हैं, उनकी प्रतिमा लगाने का काम करते हैं। मुझे भी बताया कि छत्तीसगढ़ में तो मात्र 20 लाख रुपए की राशि दी गई है। भारतीय जनता पार्टी का सोच अलग है, मैं अमर शहीदों का चारण उनके यश गाया करता हूं, जो कर्ज राष्ट्र ने खाया है मैं उसे चुकाया करता हूं। ये संदेश है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। मेरे प्रिय बहनों, पूरी दुनिया हिंदुस्तान के साथ खड़ी है, पूरी दुनिया हिंदुस्तान के साथ साथ। आज मन की बात में प्रधानमंत्री जी ने फिर दोहराया है कि भारत के स्वाभिमान और सम्मान की रक्षा जरूरत पड़ी तो हर कीमत पर दी जाएगी। हिम्मत है किसी से, किसी में जो जूझ रहे हमारे देश से? आज प्रधानमंत्री ने आह्वान किया, चीन के सामान की जरूरत नहीं है,
भारत के सम्मान की जरूरत है, भारत के सम्मान की जरूरत है। और भारत का वो सम्मान अगर बढ़ाया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने, कांग्रेस ने कितने पाप किए थे। भारत और चीन की सीमा का विवाद इनमें पैदा किया, और अब उसका परमानेंट समाधान अगर करेंगे तो हमारे प्रधानमंत्री करेंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, आपने ही चीन को संयुक्त राष्ट्र के स्थाई सदस्य बनाने की पैरवी की थी। तुम स्थाई सदस्य बनवाते थे और वो पीठ में छुरा घोंपने का काम करता था। लेकिन आज ये मोदी जी का भारत है। कभी भारत के उस समय कांग्रेस के किसी प्रधानमंत्री की हिम्मत नहीं हुई कि चीन की सरजमी पर जो हमारी सीमाएं, पक्की सड़क का निर्माण कर दो। चीन क्यों बौखलाया हुआ है? ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार की दम थी। सीमा तक शानदार पक्की सड़कों का जाल बिछ गया, 98% काम हमने पूरा कर लिया। चीन बौखलाया हुआ है, चीन परेशान है। चीन सोचता है भारत अगर इसी तरह बढ़ता रहा तो दुनिया में ये एकमात्र देश है जो चीन को मात दे सकता है। और आज हम कहना चाहते हैं, भारत की सरजमी पर खड़े होकर चीन को सावधान, तुम तो भारत का कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। 130 करोड़ भारतीय अगर अपनी पे आ गए तो चीन तबाह और बर्बाद हो जाएगा। आज नेतृत्व अगर हमारा कर रहे तो माननीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। पीढ़ियां की पीढ़ियां खप गई कि हम आज गौरव और गर्व का अनुभव कर रहे हैं। मन आनंद और प्रसन्नता से भर जाता है। ऐसे भारत का निर्माण अगर हुआ तो माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। एक अलग भारत, एक न्यू इंडिया, एक नया भारत आज दुनिया के समक्ष खड़ा हुआ है। मेरे बहनों और भाइयों, याद तो उस दिन वो थे जब बात बात में चीन हमें आंखें दिखाता रहता था, चीन हमें डराता था, पाकिस्तान डराता था, श्रीलंका जैसे देश डराते थे, विद्धि से देश हमें डराते थे। और तब हम आंख मिला के बात नहीं कर पाते थे। अरे कांग्रेस को भूल गए क्या? कौन ने देश में नारे लगाए, हिंदी चीनी भाई भाई, हिंदी चीनी भाई भाई नारे लगाते रहे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और कब चीन घुस गया आके हमारे देश की सीमा के अंदर, पंडित नेहरू जी आपको पता ही नहीं चला। और पंडित नेहरू का सोच देखिए, कांग्रेस का सोच देखिए। चीन ने जब हमारी जमीन दबा दी और भारत की संसद में एक प्रखर सांसद ने जब ये मामला उठाया कि चीन ने हमारी हजारों वर्ग किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर लिया है, पंडित नेहरू जी का जवाब था, वो जमीन का क्या करेंगे, उसमें तो घास के तिनका तक पैदा नहीं होता। तब सांसद जी ने जवाब दिया था, पंडित जी आपके सिर पे भी एक बाल नहीं है, क्या इसको भी बेकार समझ के काट देना चाहिए, फेंक देना चाहिए। ये सोच थी कांग्रेस पवित्र भारत भूमि के बारे में। डोंगरगढ़ में विराजी मां कमलेश्वरी माता को और रतनपुर की मां महामाया को प्रणाम करता हूं। मैं छत्तीसगढ़ में बैठे हुए अपने साथियों से कहना चाहता हूं, छत्तीसगढ़ के लिए अपन अतिथि नहीं है। जैसे मध्य प्रदेश के गांव और गली को नापा है, वैसे विद्यार्थी परिषद और युवा मोर्चे के कार्यकर्ता के नाते छत्तीसगढ़ के भी हर कस्बे और शहर को नापने का काम किया है। आज भी छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश राज्य के रूप में भले ही अलग हो, लेकिन शरीर दो है, जान एक है, आत्मा एक है, प्राण एक है। अरे जब कभी मैं रायपुर बिलासपुर जाता हूं तो नागपुर होते हुए ट्रेन से अगर चले जाए तो नागपुर में आके लगता है कि दूसरे प्रदेश में आए हैं। लेकिन रायपुर बिलासपुर आता है, दुर्ग राजनांदगांव आता है तो ऐसा लगता है अपने मध्य प्रदेश में ही आ गए, अपने छत्तीसगढ़ में ही आ गए। हम छोटे भाई बड़े भाई नहीं, एक ही भाई है। दोनों की विकास यात्रा के कई अध्याय हमने एक साथ लिखे हैं, लेकिन आज हम इकट्ठा हुए हैं
हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, अद्भुत नेता है नरेंद्र मोदी। सचमुच में गर्व होता है हम सबको कैसा राष्ट्रीय नेतृत्व वर्षों बाद हमें मिला है, जिनने देश का मान सम्मान और शान केवल हिंदुस्तानी पूरी दुनिया में बढ़ाने का काम किया है। ईश्वरीय शक्ति से संपन्न हमारे नेता, दुनिया में सर्वाधिक लोकप्रिय नेता, कई मामलों में दुनिया का नेतृत्व करने वाले नेता डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी।